नमस्कार, मैं कोपल हालन स्वागत करती हूं आपका सी लॉर्ड न्यूज में। कांग्रेस ने क्यों कहा मोदी सरकार को सिंगापुर के पीएम से सबक लेना चाहिए। सिंगापुर की सांसद में वर्कर्स पार्टी के प्रमुख सांसद रईस खान पर झूठ बोलने के आरोप पर शिकायत को लेकर विशेषाधिकार समिति में बहस चल रही थी, जिसके दौरान सिंगापुर के पीएम ली सेन लुंग ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया और उनकी खूब सराहना की। उन्होंने कहा कि अधिकतर देशों की स्थापना उच्च आदर्शों और अच्छे मूल्यों के आधार पर होती है और फिर वे अपना सफर शुरू करते हैं, लेकिन अक्सर संस्थापक नेताओं और मार्गदर्शन पीढ़ियों से इतर आने वाले समय में धीरे धीरे चीजें बदलती रहती हैं। उन्होंने कहा कि चीजें काफी जोश से शुरू होती हैं। नेता जिन्होंने लड़ाई लड़ी और आजादी हासिल की, वे अक्सर साहस, संस्कृति और बेजोड़ क्षमता वाले असाधारण व्यक्ति होते हैं। वे कठिन परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं और देश के नेता के रूप में उभरते हैं। साथ ही अपनी बात को रखते हुए उन्होंने जवाहरलाल नेहरू और इजराइल के संस्थापक माने जाने वाले डेविड वेन कुरियन का भी नाम लिया। अब इस पर चुनावी माहौल के दौरान कांग्रेस के हाथ एक और हथियार लग गया है, जिससे वे मोदी सरकार पर निशाना साध सकते हैं। इसको लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर लिखा है कि सिंगापुर के पीएम नेहरू का जिक्र करते हुए ये बताते हैं कि लोकतंत्र को कैसे कम करना चाहिए, जबकि हमारे पीएम नेहरू को संसद के अंदर और बाहर बदनाम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है कि सिंगापुर के पीएम ली सेन लुंग और नरेंद्र मोदी में यही अंतर है। सिंगापुर के पीएम अपने देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, जबकि मोदी हमारे देश को झूठे वादों की सवारी करा रहे हैं। मोदी कितनी भी कोशिश कर लें, पंडित नेहरू अमर रहेंगे और आधुनिक भारत के निर्माता बने रहेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गुरुवार को ही एक वीडियो संदेश में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने भी मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा था कि वो अपनी नाकामी छिपाने के लिए जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराती है। धन्यवाद।